शहीद आनंदपाल का जेल से भाग जाना और प्रदेश के दो दर्जन नेताओं पर हमले, किसान के बेटों पर हमले, ये वसुंधरा सरकार के कानून की पोल खोलते हैं। मैं इस पूरे प्रकरण की, क्योंकि उन तीन उठाई गिरों की, उन चवन्नों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हरवीर सान के गोली मारे, इसके पीछे निश्चित रूप से सत्ता के अंदर बैठे स्थानीय नेताओं के साथ साथ इस हनुमानगढ़ जिले के और बारी क्षेत्र के भी बड़े नेताओं का उन अपराधियों के सर पे हाथ है, सर पे साया है और उन्होंने उन अपराधियों को हरवीर सारण की हत्या करने के लिए मोटी सुपारी दी थी। मैं चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार कहीं से भी जांच कराएगी तो जांच को दबा देगी और ये बीकानेर का जो इलाका है यह आपके आईजी से बहुत बड़ी उम्मीद लोगों को थी, लेकिन जब मैंने आईजी को टेलीफोन किया दिन में इस गोलीकांड के एक घंटे बाद, तो और भारतीय जनता पार्टी की जो मदद यहाँ का प्रशासन कर रहा है, पुलिस प्रशासन कर रहा है, वसुंधरा के तो डेरे राजस्थान से लद गए, ये मैं प्रशासन वालों को चेतावनी देता हूँ। ये तो जाती हुई सरकार है, इसके चक्कर के अंदर अपना नुकसान नहीं करे। आने वाला समय राजस्थान के अंदर हमारा है, इसलिए उस हिसाब से इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो। एसओजी भी भ्रष्टाचार का अड्डा है, हम एसओजी से भी जांच नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। पहले हरवीर सारण को 302 के अलग अलग दो मुकदमों के अंदर, 20 साल पहले के मुकदमों के अंदर सरकार गिरफ्तार करती है और हाई कोर्ट 20 दिन बाद ही उनको बेल दे देता है और पुलिस को फटकार लगाता है। उसके बाद उनकी पत्नी नीलम सारण को बिना नोटिस दिए हुए डीएलबी निलंबित करती है और हाईकोर्ट स्टे दे देता है। यहाँ स्थानीय नेता अब सहानुभूति बटोरने के लिए कुछ प्रयास कर रहे होंगे, बाकी नीलम सारण का निलंबन और हरवीर को जब सलाखों के पीछे दलाया था तो पूरी हनुमानगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का हाथ था और ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। अब इससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता, ये तो अति हो गई। अब तो कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं। अगर प्रेस का आदमी भी सही बात कहेगा और हम भी सही कहेंगे तो हमारी भी जान जा सकती है वसुंधरा की सरकार के अंदर। इसलिए हमें इस गुंडागर्दी से राजस्थान के अंदर लड़ना है। गैंगवार जो राजस्थान के अंदर मंत्रियों के संरक्षण से, वसुंधरा के संरक्षण से पनपा है, इस गैंगवार का खात्मा करना है। या तो सरकार हमारी बात मान ले, नहीं तो इस आंदोलन को कल से इतना उग्र कर देंगे राजस्थान के अंदर, जो सरकार को अंदाज भी नहीं होगा। गौरव यात्रा धरी रह जाएगी और राजस्थान की सरकार के घुटने टिकाएंगे। सीबीआई जांच के साथ साथ जितने भी दोषी पुलिस के अधिकारी जिनके इलाके के अंदर ये घटना हुई है, उनकी जांच भी होनी चाहिए। वो सब संदेह के घेरे के अंदर है। अगर ये बात हमारी मान ली जाती है तो हम इस आंदोलन के बारे में आगे विचार करेंगे। पहले परिवार से मिलने के लिए मैं यहाँ से रावतसर जाऊंगा, उनको ढांढस बंधाऊंगा और इस दुख की घड़ी के अंदर हनुमान बेनीवाल नहीं, पूरे राजस्थान का किसान का बेटा हरवीर सारण को न्याय दिलाने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़े राजस्थान के अंदर और दिल्ली तक लड़नी पड़ी। हम उन ताकतों को याद दिला देंगे जिन्होंने जघन्य अपराध इस किसान के बेटे को हनुमानगढ़ की धरती पे ये विधायक बनने से रोकने का इसको प्रयास था। 30 तारीख को ये कोई अपनी बड़ी सभा करना चाहते थे जिससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए और बौखलाहट के अंदर इन नेताओं ने ऐसा कदम उठा लिया जो उन पे भारी पड़ेगा। हरवीर सारण अकेला नहीं है, लाखों जवान किसान और हनुमान बेनीवाल और पूरी राजस्थान की किसान ताकत इस हरवीर सारण को परिवार के साथ इस दुख की घड़ी के अंदर हम साथ हैं और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और वसुंधरा की गौरव यात्रा को अगर बीच में रुकवाना पड़ा तो हम वसुंधरा की गौरव यात्रा को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। ये मैं आह्वान इस हॉस्पिटल से करने के लिए आया हूँ। मीडिया के भाइयों को भी विशेष रूप से कहूंगा कि इसके अंदर नोर में भी जो तीन हत्याएं पहले होती है सीबीआई जांच, सुतार परिवार के जो बच्चे थे कितने वर्ष हो गए अभी तक उसकी जांच नहीं। ऐसे राजस्थान के अंदर कई ब्लाइंड मर्डर होंगे जिनके पीछे अपराध कराने के बाद लोग उनको सरेंडर कर देते हैं। मुझे तो ये भी शंका है कि अभी पुलिस को मुझे लग रहा है कि हत्यारे सौंप दिए होंगे कि आप इनको पकड़ लो, हमारा नाम मत लेना, बचे दो। अगर पुलिस आनंद फान में कह देगी कि मर्डर करने वालों को हमने पकड़ लिया, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं होंगे। मर्डर करा किसने, इस बात की पोल भी खुलनी चाहिए। मर्डर करने वाले जितने दोषी है उतना मर्डर कराने वाले भी दोषी है। मैं यहाँ से पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रावतसर जा रहा हूँ और वहां जैसी भी रणनीति होगी मुझे लग रहा है
कल आर पार की लड़ाई हनुमानगढ़ के कलेक्ट्रेट या रावत सर के अंदर होगी, इसका ऐलान हम कर देंगे। अभी जब तक परिवार के लोग सब नहीं लेंगे तब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। बाकी परिवार और यहाँ की जो संघर्ष समिति बनी है ये देशा निर्णय करेगी। हनुमान बेनीवाल उनके साथ है। अगर मुझे एक महीना भी यहाँ की सड़कों पर बैठना पड़ा, अगर मुझे सड़क पर लेटना पड़ा और गोली भी खानी पड़ी, तो हनुमान बेनीवाल किसान के बेटे को न्याय दिलाने के लिए गोली भी खाएगा। मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई गलत व्यक्ति इस 302 के मामले में फंसे। मैं ये भी नहीं चाहता कोई राजनीतिक रूप से किसी का नुकसान हो, लेकिन जिसने ये हत्या करवाई है वो व्यक्ति शिकंजों के पीछे होना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा दादा हो और चाहे कितना ही बड़ा नेता हो। कानून के सामने सब समान है। जब बड़े बड़े मंत्री जेल के अंदर हो सकते हैं और आसाराम बापू राम रहीम जेल के अंदर हो सकते हैं, तो सारी ताकतें जिन्होंने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया उनको सलाखों के पीछे डाले, और इसकी कमी खामियां ऐसे नेताओं के ऊपर जो हमले राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, इन हमलों में कमी कैसे हो, इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। एक कमेटी का गठन करके ऐसी पुनरावृत्ति रोकने के अंदर जिन जिन अधिकारियों का इसके अंदर दोष हो उनको भी इस इलाके से हटाया जाए। ये हमारी प्रमुख सीबीआई जांच और अधिकारियों पर कार्रवाई, ये हमारी प्रमुख मांग है। जब तक ये मांगे सरकार नहीं मानेगी तब तक न तो यहां से हम लेंगे और न रावत सर से लेंगे, और अगले निर्णय रावत सर के अंदर बैठने के बाद कर देंगे। इस बार